बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो बेटे, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले बेटे याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास के जो दूसरे नेम हैं वो बेटा जी क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आप इसे ही कहते हैं, आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है दो चीजों पर। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव अबंडेंस। ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बेटा ये रिलेटिव आइसोटॉपिक मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड अपॉन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप एंड रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। अब बेटा जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने देखा कि नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें तीन तरह के आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से? नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। 20, 21, 22 ये रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है और इनकी जो नेचुरल परसेंटेज है जिसे रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं वो क्या है, नियॉन 20 90.92% सैंपल में पाया जाता है, जबकि 20.0.26% और जबकि 22.8.82% ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। अब आपसे कहा जाता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं नियॉन का, आपसे कहा जाता है बताएं ये नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 20 है, 21 है या 22 है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके इस रिलेटिव आइसोटॉपिक मास और इस रिलेटिव अबंडेंस का बेटा जी एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास का परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस, मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस, मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर अगर देखें बेटे आप, तो पहले आइसोटॉप का मास कितना, 20, ये आ गया 20, इसकी अबंडेंस कितनी है 90.92% प्लस। सेकंड आइसोटॉप का मास 21, ये बेटे 21 आ गया, मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.26% प्लस। थर्ड आइसोटॉप का मास 22 और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दे साथ, तो ये बेटे 22 मल्टीप्लाई 8.82%। इस सारे को आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 100 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 20.18 AMU। ये जो मास कैलकुलेट हुआ है आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास या इसे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बात की समझ लगी? अब जरा देखें सब बच्चे, नियॉन गैस के अंदर किसी भी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, ऐसे ही है ना बेटे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द गैस ऑफ नियॉन हैज 20.18 AMU, व्हाई? कि नियॉन गैस के अंदर किसी भी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, क्यों नहीं है? तो आप क्या बताएंगे, दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन, नंबर टू, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप एंड रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। और बेटा जी साहब आगे बताएंगे कि दिस मास इज कैलकुलेटेड टू सॉल्व लैब प्रॉब्लम्स, लैब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब आपने कोई भी न्यूमेरिकल लिखना है तो वहां पे नियॉन का मास कितना लिखेंगे,
18 AMU. बात की समझ लगी ना बेटे? तो याद रखिएगा कि आप अगर आपसे पूछा जाए कि नी ऑन गैस में किसी भी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, क्या वजह है, तो आप क्या बताएंगे कि दिस इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव अबंडेंस एंड रिलेटिव आइसोटोपिक मास, एंड दिस मास इज कैलकुलेटेड टू सॉल्व लैब प्रॉब्लम्स. बात की समझ लगी बेटे? क्लियर है सबको? ओके. तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केमिकल एनालिसिस. बेटा जी केमिकल एनालिसिस क्या है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी केमिकल सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और बेटा जी उनकी अमाउंट्स को फाइंड करते हैं. केमिकल एनालिसिस में बेटा जी दो काम करते हैं, कौन कौन से? नंबर वन, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल सैंपल. सेकंड बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल सैंपल. एक केमिकल सैंपल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन यानी कि शनाख्त और बेटा जी उनकी अमाउंट्स को फाइंड करना क्या कहलाता है, केमिकल एनालिसिस. जिस बंदे ने सबसे पहले केमिकल एनालिसिस किया पानी का, उसने देखा जी पानी किस चीज का बना हुआ है, तो केमिकल टेस्ट करके उसे पता चला कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आइडेंटिफिकेशन हो गई. फिर उसने देखा इनकी अमाउंट्स क्या है, तो देखा जी दो हिस्से हाइड्रोजन है, एक हिस्सा क्या है ऑक्सीजन है, तो इससे फार्मूला क्या बन गया, H2O. इसका मतलब है कि केमिकल एनालिसिस से क्या वजूद में आता है बेटा जी, केमिकल फार्मूला. तो केमिकल फार्मूले की बेटा जी दो टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे. पहली टाइप कौन सी है बेटा जी, एम्पिरिकल फार्मूला. और सेकंड बेटा जी टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक हो गया. अब बेटा जी केमिकल एनालिसिस का ये वाला हिस्सा जिसमें हम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इस हिस्से को बेटा जी आप बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक हो गया. जबकि केमिकल एनालिसिस का वो वाला हिस्सा जिसमें आप एलिमेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करते हैं, इसे बेटे आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज केमिकल एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स. केमिकल एनालिसिस क्या है, इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें. तो केमिकल एनालिसिस क्या बेटा, द प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल सैंपल एंड डिटरमिन देयर अमाउंट्स इज कॉल्ड एज केमिकल एनालिसिस. फिर आप बताएंगे देर आर टू टाइप्स या टू स्टेप्स या टू पार्ट्स ऑफ केमिकल एनालिसिस. द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी फाइंड अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. बात की समझ लगी बेटे? अब याद रखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम बेटा जी डील करते हैं परसेंटेज की शक्ल में. तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बेटा जी हम देखते हैं क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बेटा जी क्या है कि ये अमाउंट है किसी भी एलिमेंट की, अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड. किसी एलिमेंट की बेटा जी वो अमाउंट जो 100 ग्राम कंपाउंड में मौजूद हो, आप उसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं. तो परसेंटेज फाइंड करने का बेटा जी फार्मूला क्या है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट ओवर क्या करते हैं, मास ऑफ कंपाउंड
कंपाउंड का मैच लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। मिसाल के तौर पे बेटा जी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। तो बेटा जी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम, जबकि मास ऑफ यूरिया यूरिया का फार्मूला लिखे NH2CO NH2। तो यहां से कैलकुलेट कर ले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेटा कितना, 14 मल्टीप्लाई, यहां पे दो नाइट्रोजन है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, प्लस कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16, तो ये कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 60 ग्राम। ओके हो गया। तो परसेंटेज यूरिया फाइंड करनी है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन बेटा जी क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, अब यहां पे कितने नाइट्रोजन है, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा बेटा 46%। ओके हो गया बेटा जी। तो अब आपसे कहा जाए कि बताएं जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया, तो फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना मास है यहां पे, 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 60। आपसे कहा जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, तो कार्बन के मास को 60 में डिवाइड कर दो, कार्बन का मास कितना है, 12 बटा 60, ठीक है ना बेटे। अब आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए और बी है, ये दोनों बेटा जी आपने सॉल्व करने, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, या फिर बेटा जी एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए और बी, ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं। सबको समझ लग गई इसकी, क्लियर है सबको, ओके हो गया।